देश में सर्पदंश से होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार नई पहल करने जा रही है। इसके अंतर्गत सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल पहुंचाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का इरादा है। राज्य आपदा न्यूनीकरण समिति की अप्रेजल कमेटी ने राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दूं कि वही प्रदेश के 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किए जा रहे हैं सर्पदंश सुरक्षा कार्यक्रम को शेष 72 जिलों में विस्तार देने का निर्णय किया गया है। प्रदेश सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है। आपको जैसा कि बता दूं कि 5 सालों में 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश की अनुसूचित आपदाओं में से दूसरी सर्वाधिक जनहानि का कारण सर्पदंश है। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में सांपों के काटने से 3000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। सर्पदंश से बड़ी संख्या में होने वाली मौतों की बड़ी वजह यह है कि सांप के काटने की घटनाएं प्राय सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचलों में होती है। आपको बता दूं कि जैसा कि आप सब जानते हैं सर्पदंश का शिकार हुए लोग भी प्राय गरीब और अशिक्षित होते हैं। किसी व्यक्ति को सांप काटने पर लोग उसे लेकर पहले ओझा और सफेदों के पास जाते हैं, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं। समय पर सर्प विशेष रोधी इंजेक्शन ना लगाने पर सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति की मौत हो जाती है। आपको बता दूं कि जैसा कि आप सब रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व विभाग ने तय किया है कि सर्पदंश का शिकार हुए व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल पहुँचाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कई बार ऐसी परिस्थितियों में आशा कार्यकर्ता का उपलब्ध हो पाना मुश्किल होता है, इसलिए राजस्व विभाग इसके व्यवहारिक विकल्प पर भी विचार कर रहा है। आपको बता दूं सर्पदंश से होने वाली जनहानियों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने इस आपदा से सर्वाधिक प्रभावित 3 जिलों सोनभद्र, गाजीपुर और बाराबंकी में सर्पदंश सुरक्षा कार्यक्रम चलाया है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए कार्यक्रम को प्रदेश के बाकी जिलों में भी संचालित करने का निर्णय हुआ है। आपको बता दूं रिपोर्ट्स के मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने के अलावा इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में सर्पदंश प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध कराई जाएगी। सभी चिकित्सकों को पैरा मेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ताओं व ग्राम प्रधानों को इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओझा और सफेरों के साथ ही लोगों को भी इस संबंध में जागरूक किया जाएगा। आपको बता दूं कि आशाओं का मानदेय कितना बढ़ाया गया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं प्रदेश सरकार ने आशा वर्कर्स के मानदेय में 2100 रुपये की बढ़ोतरी की है। पहले उन्हें 4000 रुपये फिक्स मानदेय मिलता था, जो अब बढ़कर 6100 रुपये हो गया है। बिहार के आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय कितना हुआ था, जैसा कि आप सब जानते हैं आशा कार्यकर्ताओं को अभी तक बिहार सरकार की ओर से प्रति महीने 1000 रुपये मानदेय राशि दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 2500 करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं आशा की नियुक्ति कौन करता है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं पूर्व में स्वास्थ्य विभाग केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करता है, लेकिन अब पॉलिसी में परिवर्तन किया जाकर शहरी क्षेत्र में भी प्रत्येक वार्ड में आशा कार्यकर्ता रखी जा रही है। आपको बता दूं कि आशा कार्यकर्ता का पूर्ण रूप क्या है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसे संक्षिप्त में आशा भी कहते हैं। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जननी सुरक्षा योजना से संबंध एक ग्रामीण स्तर की कार्यकर्ती है। आपको क्या आशा सरकारी कर्मचारी, तो जैसा कि आप सब जानते हैं एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियोजित एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। आपको बता दूं